हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको ऐसा वैकेंसी के बारे में बताएंगे जिसका आपको सालों से इंतजार था। यानी कि इस वैकेंसी को अगर आप लोग जान जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए आपको सालों से इंतजार होगा। जो कि यहाँ पे फाइनली आपको बताने वाले हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस है, कितना आपको फ़ी लगने वाला है, कितना अप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है, सारा डिटेल आपको बताएंगे। उसके साथ आपको ये भी बता दिया जाएगा कि क्या क्या सिलेबस है, कितना नंबर कौन सा सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, वो सब आपको पूरे डिटेल के साथ में बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी अपकमिंग वैकेंसी। यानी कि अपकमिंग इसलिए लिखा गया है क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाला है, इसलिए यहाँ पे अपकमिंग लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी अपकमिंग वैकेंसी, यानी कि रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ 2024 चल रहा है। 2024 में ही आपका ये वैकेंसी आएगा, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। तो आएगा तो उससे पहले आपको पूरा प्रोसेस जान लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पहले से पता रहेगा आप लोग इसका इंतजार कीजिएगा, और आपको पहले से पता रहेगा क्या क्या पढ़ना है तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट के, यानी कि इसमें बहुत तगड़ा पोस्ट आया है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 लाख। यानी कि टोटल पोस्ट की जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो है 1 लाख टोटल पोस्ट यहाँ पे आने वाला है। ये किसका ऐलान है? AIRF का, यानी कि यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी होते हैं, यानी कि महासचिव जो होते हैं उन्हीं का ऐलान है, यानी कि AIRF का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, यानी कि उन्हीं का ऐलान है कि 1 लाख जो है इसका टोटल पोस्ट रहने वाला है। तो यहां से आपको पोस्ट के बारे में भी आ गया होगा समझ में। अब हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। क्वालिफिकेशन जो है सबसे बड़ा मैटर करता है यहाँ पे। जो है क्वालिफिकेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आप कम से कम 10th पास होना चाहिए। यहाँ पे जो है 10th पास होगा वो फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि यहाँ भी ITI भी मांगेगा, क्योंकि 2019 में यह वैकेंसी आया था, उसी समय बता दिया गया था कि इससे बाद वाला जो भी वैकेंसी आएगा उसमें ITI होगा, यानी कि यहाँ से जो है ITI भी होने वाला है। तो ये जितना पोस्ट आने वाला है इसमें जो है आपको बता दे कि 70% से लेकर 80% तक, यानी कि 70% से लेकर 80% तक जो है ITI वाला के लिए रहेगा, यानी कि यहाँ पे टेक्निकल डिग्री के लिए रहेगा। यहाँ पे 70% से 80% जो है ITI वाला के लिए रहेगा, उसके बाद जो बचेगा वो 10th पास के लिए रहेगा। तो आप लोग अगर 10th पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे ITI है तो और बेटर है, यहाँ पे 70% से 80% जो है यहाँ पे पोस्ट में रहेगा। यानी कि आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब आगे के हम लोग फी की बात करेंगे, यानी कि फॉर्म अप्लाई जब होगा तो वहाँ फॉर्म अप्लाई करने में कितना फी आपको वहाँ पे करना पड़ेगा वो आइए जानते हैं। तो यहाँ से जो है जनरल OBC और EWS के लिए यहाँ पे ₹500 फी लगेगा, यानी कि जनरल OBC और EWS के लिए कितना लगेगा? 500 फी यहाँ पे लगेगा एप्लीकेशन फी, जो कि ऑनलाइन करते समय लगता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे SC ST और फीमेल के लिए, यहाँ पे ₹250 लगेगा, यानी कि ₹250 यहाँ पे लगेगा SC ST और फीमेल के लिए ₹250 लगेगा। तो यहाँ पे जो है आपका फी कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ से अब हम लोग एज लिमिट की बात करेंगे कि एज लिमिट इसमें क्या है। तो एज लिमिट जो है यहाँ पे OBC के लिए यहाँ 18 से लेकर 33 वर्ष तक है, यानी कि 18 से लेकर 33 वर्ष तक है OBC के लिए। अब यहाँ SC ST वाला के लिए बात करेंगे तो यहाँ से जो है 18 से लेकर ये कितना है 38 वर्ष तक है, यानी कि 5 साल इससे ज़्यादा इसमें छूट है। SC ST वाला के लिए कितना है? 18 से 38 है। OBC के लिए यहाँ पे 18 से 33 है। तो एज लिमिट आपका कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फॉर्म अप्लाई डेट के बारे में, यानी कि फॉर्म अप्लाई डेट कब से आने वाला है वो आपको यहाँ पे बताते चले कि अक्टूबर 2024, यानी कि 2024 में ही अक्टूबर माह में आपका अप्लाई डेट आने वाला है, यानी कि आपका इंतजार बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। उससे पहले आपको पूरे जानकारी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से वॉच कीजिए, स्किप थोड़ा भी नहीं कीजिए। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग समझेंगे सैलरी के बारे में। यहाँ तो पोस्ट के हिसाब से आपका सैलरी रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक आपको आइडिया बता दे कि 30,000+ रहेगा इसका सैलरी। कितना रहने वाला है? 30,000 जो है प्लस रहने वाला है। तो अगर आप लोग 10th पास है या अगर आपके पास ITI की डिग्री है तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अब यहाँ पे सैलरी जो है आपका 30+ रहने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस कहने का अर्थ हो गया क्या क्या आपको एग्जाम देकर कैसे करके आपको यहाँ पे सिलेक्शन पूरा करना है। उसके साथ आपको समझना होगा यहाँ पे कि सिलेबस इसका क्या है, कौन सा सब्जेक्ट से कितना
मार्क्स का इसमें पूछा जाएगा वो सारा डिटेल हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ जो है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटेन होगा, एक नंबर में आपका क्या होगा यहाँ से रिटेन होने वाला है। यहाँ पे फर्स्ट में आपका रिटेन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो यहाँ से रिटेन है, फिजिकल है, मेडिकल है और DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो यहाँ से जो है सिलेक्शन प्रोसेस आपका कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो इसलिए आप लोग ध्यान में इसको रखते हुए और ध्यान से यहाँ पे सिलेबस पे सबसे पहले आपको फोकस करना है। तो यहाँ जो है सिलेबस की बात करें तो यहाँ 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे 100 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 100 नंबर का ये रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। और आपको टाइम कितना दिया जाएगा, यहाँ 90 मिनट्स का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें क्या निगेटिव भी मार्क्स है। हाँ, इसमें निगेटिव मार्क्स होता है, वो होता है आपका यहाँ 1/3, यानी कि अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत होता है तो सही वाला में से 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा। तो यहाँ से जो है आपका इस प्रकार से निगेटिव मार्क्स रहने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे कितना क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट से रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे साइंस की बात करेंगे। साइंस से जो है यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेगा। साइंस से कितना क्वेश्चन रहेगा? 25 क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे मैथ की बात करेंगे तो मैथ से भी 25 क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग में कितना क्वेश्चन रहेगा? 30 क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जीके और CA यानी कि करेंट अफेयर की। तो जीके या करेंट अफेयर में यहाँ से जो है 20 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि 20 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। तो 25 50 50 हो जाएगा और 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 80 और 20 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कि 100 क्वेश्चन यहाँ से हो जा रहा है। इस प्रकार से आपका सिलेबस होगा और यहाँ पे एग्जाम होगा। और ये एग्जाम जो भी होगा ऑनलाइन होगा, यानी कि एग्जाम जो भी होगा यहाँ पे ये ऑनलाइन होने वाला है। जो आपको यहाँ पे बताया गया है ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात कर ले तो लैंग्वेज जो है आपका अगर हिंदी है फिर भी चलेगा या अंग्रेजी है फिर भी चलेगा, यानी कि लैंग्वेज में आपका जो है दोनों चलेगा। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से है फिर भी यहाँ पे चलेगा, इंग्लिश मीडियम से फिर भी चलेगा। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दोनों में रहेगा। तो यहाँ से जो है हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और सिलेबस रहने वाला है। और आपको किस प्रकार से वहाँ पे फॉर्म अप्लाई होगा, कब होगा, कितना पैसा लगने वाला है, टोटल जानकारी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट होगा तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग मेंशन कर देते हैं तो वहाँ से जो है आपको डाउट को क्लियर ही कर दिया जाएगा। अगर आपको वहाँ से डाउट क्लियर नहीं होगा तो आपको उस पर एक वीडियो बनाकर ही डाउट को क्लियर किया जाएगा। अब इसके बाद इसका जो भी डेट निकलेगा आपको इसी चैनल पर बता दिया जाएगा। वहाँ से जो है इस प्रकार से रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी जो आने वाला है इस प्रकार से रहने वाला है। तो इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।